ऑल इंडिया बैंक अधिकारी कॉन्फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को एक दिवसीय राष्ट्रीय हड़ताल का आयोजन जिला सचिव पांडे सुशीत कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बैंक रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा परिसर में विभिन्न बैंकों के अधिकारी और कर्मचारी इकट्ठा हुए और जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हुए गोलघर की सड़कों पर रैली निकाली। बैंक कर्मियों की मुख्य मांगों में बैंकों के सभी अधिकारियों से जनरल मैनेजर तक के सभी अधिकारियों के वेतन वृद्धि हेतु सरकार पर दबाव बनाना और इस संबंध में बैंक प्रमुख द्वारा बैंकों के संघ भारतीय बैंक एसोसिएशन को प्राधिकार पत्र देना, वेतनमान वृद्धि हेतु वार्ता मांग पत्र जो जून 2017 में दी गई थी उसी के अनुसार करना, अवकाश प्राप्त अधिकारी की पेंशन वृद्धि प्रत्येक वर्तमान अधिकारी के वेतन वृद्धि के अनुसार की जाए, सभी अधिकारियों को नए पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल किया जाए, बैंकों के माध्यम से बीमा व्यवसाय पर रोक लगाई जाए, बैंकों के द्वारा सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन रोका जाए। एक दिवसीय हड़ताल में ऑल इंडिया बैंक अधिकारी कॉन्फेडरेशन के सदस्यों और विभिन्न बैंकों के लगभग 500 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के जिला सचिव पांडे सुशीत कुमार ने कहा, समझौता करना होगा, करना होगा, करना होगा। अपॉर्चुनिटी 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 पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हाँ, आज हम लोग अभी कल जैसा कि पूर्व संध्या पर हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाला था, आज हड़ताल की तिथि पर हम यहाँ गोरखपुर स्थित स्टेट बैंक के मुख्यालय मुख्य शाखा से एक रैली का आयोजन कर रहे हैं, जो रैली हमारी मांगों की के समर्थन में जनता से अपील के लिए आयोजित की जा रही है कि आप हमारी मांगों को देखें, समझें और उसे समझें। हम अपने परिवार के रक्षा के लिए आपसे सहयोग करते हैं। अगर आपको बैंकिंग कार्य में बाधा होती है, उसके लिए कहीं तकलीफ हो रही है, तो इसके लिए हम सभी बैंक अधिकारी गण आपसे क्षमा प्रार्थी हैं कि कभी कभी अपने परिवार को चलाने के लिए जब कुछ हम सहयोग की अपील करते हैं तो आप हमें भी सहयोग करें। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पब्लिक जनता को भी पता है, हमारी मांगें 30 दिन पहले सरकार को दे दी जाती है कि हम अमुक तारीख को हड़ताल करेंगे, हमारी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार 30 दिनों में हमारी कौन क्यों नहीं पूरी करती है मांगे। एक मैंडेट की बात कर रहे हैं जो एक मिनट में बोर्ड की मीटिंग बुला के आयोजित दी जा सकती है, जब हमारा सारे अधिकारियों का एक ही सर्विस कंडीशन है, एक ही सेवा नियमावली है, उनके लिए जो भी पनिशमेंट क्या है, डीएससी का मैटर है, वो सभी एक ही कानून से चलता है, तो वेतनमान अलग देने का कहां से उत्पन्न है। इसलिए हम मांग करते हैं कि हमारे स्केल 1 से स्केल 7 तक के अधिकारियों के लिए मैंडेट अविलंब दिया जाए। और ये तो अभी हमारी लड़ाई प्रारंभ हुई है, क्योंकि 20 वर्षों के बाद आयोग ने अधिकारियों के संगठन के लिए लड़ाई प्रारंभ की है। अब अगर आज हमारी मांगे मान ली जाएं
नहीं मांगी जाएगी तो हम आगे इससे लंबी लड़ाई लड़ेंगे, 2 दिन 3 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी हम लोग जा सकते हैं। साथी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनके लिए भी हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी आप देख रहे हैं कि वो भी पारिवारिक पेंशन जो प्राप्त कर रहे हैं, बैंक कर्मियों को तो पेंशन मिल रहा है, आप कहीं भी देख सकते हैं उनके पेंशन क्या है। एक सरकारी कार्यालय में अधिकारी रिटायर करता है तो उसे 1 लाख पेंशन मिलता है, और हमारे बैंक कर्मी एक अधिकारी रिटायर करते हैं तो उनको पेंशन मिलता है 45,000 रुपये। क्या ये न्यायोचित है? उनके लिए जब पेंशन में आप बजट का प्रोविजन करते हैं तो हमारे लिए पेंशन में बजट का प्रोविजन क्यों नहीं? बजटी मेथड पर हमें पेंशन क्यों नहीं? बजटी मेथड पर हमारे सैलरी का रिविजन क्यों नहीं? हमारे लाभ प्रदा के आधार पर जब हमें वेतन निर्धारण किया जाता है तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स का आता है, प्रोविजनिंग नॉर्म्स RBI का है, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना प्रोविजन दे। जैसे वो बजट में किसी भी संस्था का लाभ, जैसे उनकी नवरत्न कंपनियां हैं, वो अगर घाटे में रहती हैं तो उनको अपने बजट से प्रोविजन करके उनको घाटे को पूरा करते हैं, तो हमारे लिए भी अगर वो उनके प्रोविजन नॉर्म के कारण बैंक घाटे में आती है तो जो भी प्रोविजन का है वो सरकार अपने बजट के माध्यम से पूरे करे, हमारे जो लाभ है सकल लाभ है उस लाभ से उसका कोई व्यवस्था ना करे। ये इतना ही नहीं, आप एक और सभी जनता को ध्यान दिलाना चाहते हैं, हमारा लाभ हो या ना हो उनको 20% चाहिए रंगदारी टैक्स। ये रंगदारी टैक्स ही मुझे अब तक जितना उनके खाते में जमा हुआ वही वापस कर दें, हम सभी चीजों को दरकिनार करेंगे। आज नीरव मोदी विजय माल्या पर हम लोगों को आरोप लगता है, क्या नीरव मोदी विजय माल्या हमारी नीतियों से देश से बाहर गया? ये उनकी नीतियों की वजह से गया है। उन्होंने पासपोर्ट पॉलिसी में क्यों जोड़ा? आज भी अगर हम पासपोर्ट सीज करने की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, क्रिमिनल जब तक ऑफेंस लागू नहीं होगा हम नहीं करेंगे। और एक FIR लॉन्च करने के लिए बैंकर अगर किसी थाने में जाए तो देख लीजिए वो FIR लॉन्च नहीं होता है। आज एक बड़े बड़े पूंजीपति हैं जिनका NPA होता है, हम वसूली करने के जाते हैं, उनके गुंडे आते हैं, हमें मार के भगा देते हैं। कहां सही रहती है पुलिस? कहां सही रहती है सरकार? ये पब्लिक का पैसा है, इस पब्लिक के पैसे के लिए हम उनके पास जाते हैं वसूली के लिए, और हमें लाठी डंडे से मार मिलती है। हम FIR लॉन्च करने जाते हैं तो हमें सबूत मांगा जाता है। जितने भी नेतागण हैं वो सभी नेतागण आज महंगी महंगी गाड़ियों पर घूमते हैं, वो एक टैक्स नहीं, टैक्स नहीं देते। हमारा एक छत्तीसवर्गीय कर्मचारी जितना टैक्स देता है उतने एक नेता नहीं देते हैं। क्या वो भ्रष्टाचारी नहीं है? क्या उनकी लापरवाही कहां से आती है? एक बैंक कर्मचारी को कहा जाता है कि आपके ये सुविधा है, एक बैंक कर्मचारी जितना अपने संस्था के लिए करता है उतना किसी संस्था के लिए? आप लोग पत्रकार वृंद हैं, 9 बजे भी अगर किसी बैंक की शाखा में चले जाए तो आपको मिलेगा बैंक की शाखा खुली हुई है, बैंक का अधिकारी काम कर रहा है। तो जो आदमी पूरी रात दिन रात अपने संस्था के लिए बेहतरी के लिए काम करता है, अगर वो अपनी मांगों को मांगता है तो देने में सरकार को क्या परेशानी है? हमें सरकार के बताया जाए, क्योंकि हम अपनी 30 दिन पूर्व मांग करते हैं, हमारी तो एक मांग है वेतन वृद्धि, ना हम कभी किसी चीज की ज्यादा मांग करते हैं। इसलिए साथियों, आप सभी पत्रकारों से अनुरोध है, जितने भी पत्रकार बिंद हैं, आप इस चीज को जितना प्रचार प्रसार, जैसे आप लोग इलेक्शन की रेटिंग करते हैं, चुनाव पूर्व सर्वेक्षण करते हैं, उसी तरह हम आप सभी से अनुरोध है कि हम लोगों की वेतन विसंगतियां जो हैं वो सभी विभागों से तुलनात्मक रूप से प्रदर्शित करें, हर चैनल पर, चाहे वो आज तक हो लोकल सिटी चैनल हो, ABP हो, न्यू नेशन हो, इंडिया TV हो, जो भी हो, सभी एक निकालें कि बैंकिंग कर्मचारियों का कार्य की पद्धति के अनुसार उनका वेतन कितना है, अन्य विभाग कर्मचारियों से मिलाएं, हमें मिलाएं। अगर हमारे मांगे जायज ना होगी तो हम लोग इस दिन से हड़ताल बंद कर देंगे। ये मेरी खुली चेतावनी है सरकार को, आप लोग ये बताएं कि अगर मेरी वेतन विसंगतियां कम है अन्य विभागों से, अगर ज्यादा है तो हम हड़ताल पर नहीं जाएंगे।